नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। एक बड़ी खबर मधुबनी जिले के झंझारपुर से आ रही है, जहां भैरव स्थान थाना पुलिस ने एक ट्रक सहित भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है और चार लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी का ढोंग पीट रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मधुबनी में समाधान यात्रा के दौरान इतनी बड़ी मात्रा में शराब बरामद होना चर्चा का विषय बना हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भैरव स्थान थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक पर लदे 427 लीटर भारत निर्मित विदेशी शराब बरामद किया और ट्रक चालक सहित कारोबारी राजनारायण झा उर्फ राजू झा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कारोबारी राजनारायण झा उर्फ राजू से पूछताछ के बाद उसके निशानदेही पर पुलिस ने कारोबारी के घर से और भारी मात्रा में शराब बरामद किया। कारोबारी राजू झा के घर से 540 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार कारोबारी राजनारायण झा उर्फ राजू झा और तीन अन्य जो हरियाणा के रहने वाले हैं, सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया, जिनमें हरियाणा के पड़ाना और रहने वाले कपूर सिंह के पुत्र सतीश, झुलाना जिंद के रहने वाले कलीराम निदानी के पुत्र दीपक, सरथाना के रहने वाले होशियार सिंह के पुत्र वीरेंद्र सिंह शामिल हैं। इनके पास से 6 मोबाइल फोन, 1 फास्ट ट्रैक और 10,000 नकद भी बरामद किया गया है। झंझारपुर से हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। खबरों में अपने के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Facebook पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.4thastambhdigital.com पर जाएं।